नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपके अपने YouTube चैनल JN Academy पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन फिर से हाजिर हैं कोडिंग डिकोडिंग की नई सीरीज के साथ। तो देखिए दोस्तों, कल अपन जो क्वेश्चन रह गए थे उससे आगे की सीरीज में बात करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 21 में। देखिए सबसे पहले 21 में क्या कह रहा है, 21 में बोल रहा है कंसल्ट देखिए कंसल्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये वाला क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। सबसे पहले कंसल्ट को इसने क्या लिखा है, CONSULT। कंसल्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसने लिखा है OCSNLUT। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसने क्या किया, इसमें लॉजिक लगाया इसने, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया है। तो देखिए ध्यान दीजिए, CO को क्या लिखा है इसने OC, NS को क्या लिखा है इसने SN, UL को लिखा है इसने LU और ST को जोंके दियो। तो अपन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसने पूछा है एडवाइस, ADVICE। एडवाइस की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए ध्यान दीजिए, AD को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा DA, VI को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा IV, और CE को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा EC, जो कि कौन से ऑप्शन में है आपका। ऑप्शन देखिए ध्यान दीजिए, DAIVCE, DAIVCE कौन से ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर है आपका डी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सभी करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी। इसने बोला है यदि किसी भाषा में शिफ्ट को क्या लिखा जा रहा है, शिफ्ट को लिख रहा है SHIFT, और शिफ्ट को इसने लिखा है आपका RFFBO। फिर इसने पूछा है LKUMB, इसका मतलब क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देख लेते हैं किन किन का आंसर आ रहा है। अभी किसी का आंसर नहीं आया है, बाकी लोग आंसर दें भाई। तो देखिए ध्यान दीजिए, एस में से मैंने एक माइनस किया, तो आपको पता है एस कितने पे आता है आपका 19 में से एक माइनस किया क्या आएगा आपका 18 पे आता है आठ। अगर मैं एच की बात करता हूं तो एच कितने पे आता है आपका 8, 8 में से एक कितना माइनस किया इसने 2, क्रम से चल रहा है, एच में से 2 माइनस किया कितना आएगा 6 पे आएगा एफ, आई कितने पे आता है 9 में से कितना माइनस कर रहा है 3, यानी कितना आएगा एफ आएगा, और एफ कितने पे आता है 6 में से कितना माइनस करना है 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा वी, और बी कितने पे आता है आपका 2 पे, और ओ कितने पे आता है 20 पे, 20 में से कितना माइनस करेंगे 5, और 20 में से 5 माइनस करेंगे, ये जो टी है T20 कितने पे आता है 20, 20 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 15। सेम इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, L में से 1 माइनस करेंगे L आता है 12, और 12 में से मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 11, 11 पे क्या आता है K, और K में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा J आएगा 10 पे आता है J, U कितने पे आता है 21, 21 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 20 आएगा, और 20 पे क्या आएगा आपका टी आएगा, 20 पे क्या आएगा आपका टी। एम कितने पे आता है 13, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो लॉजिक दोबारा से देखिए, लॉजिक सबसे पहले इसमें से एक माइनस करना है तो एक माइनस करूंगा एल में से, एक माइनस किया एल आता है 12, 12 में से एक माइनस करेंगे 11 आता है, और 11 पे क्या आएगा आपका
के 11 पैदा, इसमें से कितना माइनस करना है, दो। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्रम से माइनस करना है, एक दो तीन चार। तो देखिए दो माइनस करेंगे कि 11, 11 में से दो माइनस करेंगे कितना आएगा 9, और 9 पे क्या आता है आई, आई नो मैं जानता हूं। यू कितने पैदा है 21, 21 में से तीन माइनस करेंगे कितना आएगा 18, 18 पे क्या आता है आपका आर। एम कितने पे आता है आपका 13 पे, 13 में से कितना माइनस करना है आपको चार, और 13 में से चार माइनस करेंगे कितना आएगा 9, 9 पे क्या आएगा आई। और बी कितने पे आता है, दो पे आता है, और दो में से कितना माइनस करना है पांच। अब देखिए 26 में दो जोड़ लीजिए क्योंकि यहाँ पे बी है, 26 में दो जोड़ेंगे 28, 28 में से पांच माइनस करेंगे कितना आएगा 23, 23 पे क्या आता है आपका डब्ल्यू, जो कि कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन है के आई आर आई डब्ल्यू, ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर है सी। अब बताइए किस किस का आंसर आ चुका है। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है सर्किल को किसी कूट भाषा में क्या लिख रहा है, आर आई सी ई एल ई। इसका आंसर आप सभी दे, पहले सबसे पहले आप सभी आंसर दें इसका, 10 सेकंड है आपके पास क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो देखिए ध्यान दें किसका आंसर आ रहा है, चेक कर लेता हूं मैं। बी के शर्मा का सी आ रहा है भाई, तेईस का आंसर दें आप सभी फटाफट। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं सर्किल की बात करूं, सी आई आर सी एल ई। अब देखिए बेटा इसमें जो लॉजिक की अगर मैं बात करूं, तो लॉजिक इसने क्या लगाया, आर आई सी ई एल सी। जब भी देखिए इस प्रकार के शब्द आए, तो देखिए ध्यान दीजिए इसमें किस किस तरह के लॉजिक अपन लगा सकते हैं। अगर मान लो इसमें पांच शब्द होते, पांच अक्षर होते, अपन इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हो सकता है इन दोनों को क्रॉस कर ले, तो यहाँ दो एक तीन को जो की थी, और अगले इन दोनों में क्रॉस लगा दे तो कितना आ जाएगा पांच चार। हो सकता है आपका अगर ये पांच अक्षर है, इसकी जगह छह कर दे, एक दो तीन चार पांच छह। अगर मैं पांच और छह की बात करूं, इन तीन में लॉजिक लगा दे, इन तीन में, जैसे इन तीन में लगा दिया इसने, मान लो एक क्रॉस वाला लॉजिक लगाया, तो तीन इधर आ सकता है, ये एक इधर आ सकता है, और इस दो की बात करो, इस दो को जों की त्यों रख दिया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से छह, इसको चार, और इस पांच को कहां रख दिया, बीच। हो सकता है अगर बेटा इस तरीके का लॉजिक नहीं लगा रहा है, तो दूसरा लॉजिक ये भी लगा सकता है, शुरुआत के तीन में लगा दे, पीछे वाले तीन में लगा दे। तो देखिए ध्यान दीजिए सेम जो लॉजिक इसने लगाया है, अब इसमें अक्षर कितने हैं आपके, छह अक्षर हैं। तो देखिए एक एक दो तीन चार पांच छह। अब जैसे मान लो इन तीन में लॉजिक लगा दिया, इनको उल्टा करके लिख दो, मैं कितना आएगा तीन दो और एक। सेम इसी प्रकार से चार पांच छह के बारे में लिखो, तो इसको उल्टा करके लिख दो, कितना आएगा छह पांच चार। इस तरीके के लॉजिक इनमें लगते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं, सर्किल में आगे के जो तीन अक्षर है इनको मैंने उल्टा करके लिखा, आर आई सी आर आई सी। इसी प्रकार सी एल ई को उल्टा करके लिखा था ई एल सी ई एल सी। इसने बोला है ए क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर का इसने पूछा है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं, तो स्क्वायर में आगे के जो तीन अक्षर है इसको क्या लिखेंगे, यू क्यू ए, क्योंकि इसने आगे के जो तीन अक्षर है इसको उल्टा करके लिखा है, तो मैं इसको भी उल्टा करके लिखूंगा, तो यू क्यू एस। अगर मैं ए आर ई की बात करूं, तो इसमें देखिए सबसे लास्ट वाला क्या है, ई, फिर क्या है आर, फिर कितना है आपका ए, जो कि आपका कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन है आपका सी, कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर है आपका सी। अब देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बायरर क्रस का एकदम सही है, विपिन अवस्थी का सी बिल्कुल सही है। देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी, वही आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, फटाफट आंसर दीजिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसने बोला है यदि किसी कूट भाषा में एको बी, बी को क्या लिखा जा रहा है सी,
और सी को क्या लिखा जा रहा है, डी अवस्थी। सी आंसर बोल रहा है भाई, अवस्थी, बिल्कुल सही है अवस्थी का एकदम। बाकी सभी लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे, बाकी सभी कमेंट कीजिए। सी आंसर एकदम सही है भाई, वायरल क्रिस का भी एकदम सही है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब अगर मैं बात करूं, इसने बोला है ए को क्या लिखना है, बी। ए को जस्ट इससे आगे वाले अक्षर से लिखा है, ए को क्या लिख रहा है, बी। और बी को क्या लिखा है इसने, सी। बी को लिखा है इसने सी। बी की बात करूं तो बी को क्या लिख रहा है, बी को लिखा है इसने सी, जस्ट अगले नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसने क्या बोला है, स्मार्ट, एस एम ए आर टी। इस स्मार्ट के बारे में इसने पूछा है। अगर मैं इस स्मार्ट की बात करूं तो एस से जस्ट अगला अक्षर क्या आएगा, एस के बाद क्या आता है, टी आता है। एम के बाद क्या आता है, आपका एन आता है। ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। आर के बाद क्या आता है, एस। और टी के बाद क्या आएगा, यू। यानी कि ऑप्शन कौन से में उपलब्ध है ये देखेंगे अपन, टी एन बी एस यू। कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर है आपका सी। इससे आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी ध्यान दें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी। अब ये बेटा ये क्वेश्चन जो है आपका फिक्स कोडिंग डिकोडिंग का है। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, इसने बोला है 157 89। अब देखिए इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे फिक्स कोडिंग डिकोडिंग के, फिक्स कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा, आपके अक्षरों का कोड दे देगा एक निश्चित, जिनको बोलते हैं फिक्स कोडिंग डिकोडिंग। अब आप ध्यान दीजिए, इसने बोला है 157 89, 157 89। इसने इसको क्या बोला है भैया, ए एक्स बी टी सी। फिर इसने बोला है 23 46, 23 46 को क्या लिख रहा है भाई, 23 40 को इसने लिखा है एम पी डी यू, एम पी डी यू। अब इसने पूछा किसके बारे में है, 23 549। अब देखिए ध्यान दीजिए, फिक्स कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कि एक का मतलब तो है ए, पांच का मतलब कितना है आपका एक्स, और सात का मतलब क्या है बी, आठ का मतलब क्या है टी, और नौ का मतलब क्या है आपका सी। अब आप ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दो, दो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दो का मतलब है यहाँ पे एम, तो दो की जगह क्या लिखूंगा मैं बेटा, एम लिखूंगा। अब तीन की जगह क्या लिखना है, तीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी को, तीन की जगह आएगा पी। अगर मैं पांच की बात करता हूं तो देखिए पांच की जगह क्या लिखना है अपने को, एक्स। और अगर मैं चार की बात कर रहा हूँ, चार किसको डिनोट कर रहा है, चार कर रहा है आपका डी को, तो चार की जगह क्या लिखूंगा, डी। अगर मैं नौ की बात करूं तो यहाँ देखिए नौ, नौ की जगह क्या लिखा है इसने, सी। नौ को रिप्रेजेंट किया है सी से, तो यहाँ कितना आएगा, सी। यानी क्या आंसर बनेगा आपका, एम पी एक्स डी सी। बेटा कौन से ऑप्शन में है, सबसे पहले देखेंगे एम पी एक्स, एम पी एक्स डी सी कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर है डी। तो देखिए किस किस का आंसर आ गया एकदम। तो देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी, अगले क्वेश्चन का आंसर दें फटाफट। अगला क्वेश्चन भी आपका वही फिक्स कोडिंग डिकोडिंग का है, तो अब ध्यान दें, फिक्स का नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, इसने बोला है यदि किसी कूट भाषा में बनारस, बेनारस को लिखा जाता है 716 25 24, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बी ए एन ए आर ए एस, देखते हैं किस किसने इसको सॉल्व किया है। इसका आंसर बताइए आप सभी, 716 25 24, आंसर बताएं आप सभी फटाफट इसका। आंसर दें आप सभी फटाफट, बी के शर्मा, डी डी डी, बाकी सभी आंसर बताइए। आप देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसने फिक्स कोडिंग डिकोडिंग के बारे में ही पूछा है, 4 2 6 4 2 5। अब देखिए ध्यान दीजिए,
अगर ये फिक्स कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, चार को किससे लिखा है इसने, एस से, तो चार की जगह क्या लिखूंगा मैं, एस। अगर मैं दो की बात करता हूं तो देखिए दो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दो तीन चार, ऊपर से चौदह अक्षर कौन सा है भाई, ए, तो दो की जगह क्या लिखूंगा मैं, ए। अगर मैं छह की बात करूं तो छह देखिए छह की जगह कितना है, एन। और अगर मैं चार की बात करूं, चार को किससे डिनोट किया है इसने, चार को डिनोट किया है आपका एस से, तो चार की जगह क्या आएगा, एस। अगर मैं दो की बात कर रहा हूं तो दो को क्या लिखेंगे, ए। और पांच की जगह बात करूं तो पांच क्या है आपका, आर। जब भी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, पता कैसे चलेगा ये फिक्स कोडिंग डिकोडिंग का है, यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं वही नंबर यहाँ पे आएंगे, इन्हीं में से नंबर छांट के कोई संख्या बनाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए, इसके अलावा अपन एक और क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान दें आप सभी, अगर फिक्स कोडिंग डिकोडिंग के बारे में अपने को पता करना है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहां पे, इसको मैं डिनोट करता हूं एक तीन पांच सात से, और अगर मैं आगे लिखूं पार्क, अब देखिए इसकी जगह लिखूं मैं, इसको डिनोट कर रहे हैं नौ तीन पांच चार से, तो अब अगर मैं इसमें कूट पूछना चाहूं आपसे कि बताओ पांच सात नौ तीन को क्या लिखेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए इस तरह की फिक्स कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा, तो देखिए जितने भी यहाँ पे गिनती आई है वो ऊपर रिप्रेजेंट है या नहीं, तो देखिए ध्यान दीजिए पांच यहाँ ऑलरेडी आया हुआ है, तो यहाँ भी कितना है पांच, पांच को किससे डिनोट किया है, आर से, तो पांच की जगह क्या लिखूंगा मैं, आर। अगर मैं सात की बात करता हूं तो देखिए सी की जगह क्या लिखा है, सी को लिखा है इसने सात से, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, सात की जगह लिखूंगा सी। अगर मैं नौ की बात करूं तो नौ को किससे डिनोट किया है इसने, पी से, तो नौ को किससे लिखेंगे, पी से। और तीन, तीन का क्या लिखा है इसने, ए। ये है आपके फिक्स कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, यहां तक किसी को कोई इश्यू। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी, क्वेश्चन है आपका यदि जेड बराबर है 52 और एक्ट का मतलब दिया इसने 48 तो बैट का मतलब पूछा है, जेड का मतलब दिया इसने 52, जेड की जगह क्या लिखना है 52, और एक्ट ए सी टी, एक्ट को क्या लिखा है इसने 48। अगर मैं बैट की बात करूं तो बैट का मतलब इसने पूछा बी ए टी, बैट को क्या लिखेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए आप सभी पहले आंसर दें इसका, फिर इसके बाद बात करते हैं। विपिन अवस्थी डी, एकदम सही, बाकी सभी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे, बाकी सभी भी तो आंसर दीजिए। देखिए ध्यान दें, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो जेड के जैसे क्रमांक है, ए बी सी डी के क्रमांकों की बात कर रहा हूं, तो क्रमांक पे जेड कितने पे आता है 26, जेड आता है 26 पे, और 26 का मैंने बेटा दो गुना किया तो कितना आ गया 52, यानी दो का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं एक्ट को लिखता हूं ए सी टी, ए कितने पे आता है बेटा एक पे, सी कितने पे आएगा तीन पे आएगा, और टी कितने पे आता है 20 पे। अगर मैं इनको जोड़ूं, 20 में तीन जोड़ा 23, 23 में एक जोड़ा कितना आएगा 24, और 24 का इसमें अगर दो का गुणा करूं, 24 में दो का गुणा करूं कितना आएगा 48। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं बैट की बात करूं तो देखिए ध्यान दीजिए, बी कितने पे आता है दो पे आता है, ए कितने पे आता है एक पे आता है, और टी कितने पे आता है 20 पे। तो आप ध्यान दीजिए 20 में एक जोड़ा कितना आएगा 21, 21 में दो जोड़ा कितना आएगा 23, और 23 में कितने का मल्टीप्लाई करना है दो का, 23 का दो गुना कितना आएगा 46, जो कि कौन से ऑप्शन में है, 46 है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां तक देखते हैं किस किस ने आंसर दिए, बी के शर्मा ब्लॉक डी, बिल्कुल सही आंसर है भाई, बाकी सभी लोग आंसर दें। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। तो देखिए ध्यान दीजिए, यदि मैं बात करूं, इसने लिखा है गो, जी ओ गो, गो का क्या लिख रहा है 32। अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है एस ए ई सी, इसको लिखना है 56। फिर इसने पूछा है सम को क्या लिखेंगे, बताइए फटाफट,
बताइए फटाफट, सभी आंसर दें इसका। अभी किसी का कमेंट नहीं आया भाई, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई, आंसर दें फटाफट। आंसर दीजिए फटाफट। फटाफट आंसर दीजिए, अभी किसी का आंसर नहीं आया है, एक भी लोग आंसर नहीं दे रहा है, आप सभी आंसर दें फटाफट। ध्यान दें आप सभी, अभी किसी का आंसर नहीं आया, तो देखिए ध्यान दीजिए, जी कितने पे आता है आपका, सात पे। आप देखिए ध्यान दो, अगर मैं इसमें क्वेश्चन में लॉजिक की बात करूं तो इसने अपोजिट वाला लॉजिक लिया है, तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं अपोजिट लेटर की बात करूं तो आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, दो अर्ध, 26 अक्षर होते हैं, तो 26 जो अक्षर है अगर इसमें मैं दो का भाग देता हूं तो 26 में दो का भाग देंगे कितना आएगा, 13 आता है, यानी कि इसको दो अर्धांशों में बांटा गया है वर्णमाला को। प्रथम अर्धांश में ए से लेके एम तक आएगा, ए बी सी डी ई एफ जे एच आई जे के एल एम। अब देखिए द्वितीय अर्धांश की बात करता हूं तो इसमें आएगा आपका एन से लेके जेड, उसको मैंने उल्टा करके लिख दिया, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी W, X, Y और Z। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं, अपोजिट आपको याद होनी चाहिए, A, Z का मतलब है भाई आजाद, D, Y का मतलब क्या है, बॉय, C, X का मतलब है सिक्स, और D, W का मतलब है आपका दूध वाला या दारू वाला, E, V का मतलब है भैया इवनिंग, इवनिंग कितने बजे होती है, 5 बजे, F, U का मतलब है आपका फालतू, जीटी गौरव टावर, एचएस का मतलब है आपका हनी सिंह, आईआर का मतलब है इंडियन रेलवे, जेक्यू का मतलब जयपुर क्वीन, केपी का मतलब है काला पानी, एलओ यानी लव, एम एन का मतलब है मोबाइल नंबर। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, इसमें अपोजिट लेटर वाले कंसेप्ट का यूज किया है, अगर मैं जी के अपोजिट की बात करूं तो जी ओ, अगर मैं यहां इस कंसेप्ट की बात करूं, ओ कितने पे आता है, 15 पे, और जी कितने पे आता है, 7, अगर मैं 15 पे 7 जोड़ता हूं कितना आएगा, 22, जो कि आप देखोगे 22 तो यहाँ है ही नहीं, कितना है, 32, यानी ये वाला कंसेप्ट तो आपका लगेगा नहीं। अगर मैं अपोजिट लेटर के आधार पे बात करूं तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी, जी टी, ओ का क्या होगा, एल, और टी कितने पे आता है आपका, 20 पे, और एल कितने पे आता है, 12, और 20 में 12 ऐड करेंगे कितना आएगा आपका, 32 आएगा। सेम इसी प्रकार एस ए ई की बात करूं, एस ए ई, और एस ए ई की बात करूं तो एस का अपोजिट क्या है आपका, एच, ए का मतलब ए का आजाद, ई, ई का मतलब बी इवनिंग, ई का अपोजिट क्या है, बी, एच, एस का अपोजिट एच है, ए का जेड है, ई का क्या है, बी, अगर एच की बात करूं तो एच कितने पे आएगा आपका, 8 का, जेड कितने पे आता है, 26 पे, और बी कितने पे आता है आपका, 22। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो देखिए ध्यान दीजिए, 6 और 2 8 और 8 16, और 2 2 4 और 1 कितना है, 5। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, अब जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में पूछा है आपसे सम, सम के बारे में ध्यान दीजिए आप सभी, क्वेश्चन में पूछा है सम, एस कितने पे आता है बेटा, एस आता है 19 पे, एस 19 पे आता है, अपोजिट की बात कर रहे हैं, एस का अपोजिट क्या होगा, हनी सिंह, एच, ओ का अपोजिट लव, एल होगा, एम का मतलब मोबाइल नंबर, एन आएगा, ई का अपोजिट क्या होगा, बी इवनिंग।
अब ये जो भी लेटर आए इनका क्रमांक आपको पता होना चाहिए और इनको जोड़ देंगे। एच का मतलब कितना आएगा 8, एल कितने पे आता है 12 पे, एन कितने पे आता है 14 और बी कितने पे आता है 22 पे। इन सबको जोड़िए, 2 और 4 कितना आएगा 6 और 6 में 2 जोड़ा कितना आएगा 8 और 8 16 हासिल 1, 2 और 1 3, 4 और 1 कितना आएगा 5, यानी कितना निकल के आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 56। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाकी सभी आंसर दीजिए फटाफट। दीपेंद्र बी, दीपेंद्र मीणा सी, सर दे तो दिया आंसर, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं कुछ ही नहीं दे रहे, तो देखिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी, अगले क्वेश्चन का आंसर दें आप सभी फटाफट। अब देखिए ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें कुछ नहीं किया इसने, एम ए सी एच आई एन ई, इसको इसने रिप्रेजेंट किया है, लिखा है आपका 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11। अब देखिए ध्यान दीजिए इसने कुछ नहीं किया, एम के अगर मैं क्रमांक की बात करूं तो एम कितने पे आता है आपका, एम आता है 13 पे, ठीक है, और ए कितने पे आता है 1 पे। इसने क्या किया इसमें 6 ऐड किया, कितना ऐड किया बेटा 6, 13 में 6 जोड़ा कितना आया 19, ए कितने पे आता है 1, 1 में कितना ऐड करना है 6, 1 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, सी कितने पे आता है आपका, सी आता है 3 पे और 3 में कितना ऐड किया है प्लस का 6, सब में इसने क्या किया प्लस 6। अगर मैं एच की बात करूं ऐड, एच कितने पे आता है 8 पे, 8 में कितना ऐड किया है 6, आई कितने पे आता है आई 9, मैं जानता हूं आई 9 पे आता है, 9 में कितना जोड़ा है 6 जोड़ा है 15। अब देखिए एन की बात करूं तो एन कितने पे आता है 14 और 14 में 6 ऐड किया कितना आएगा 20, सब में 6 ऐड किया इसने। इसी प्रकार ई में भी कितना, ई 5 पे आता है, 5 में 6 जोड़ा कितना आएगा 11, और सेम इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं इसने जो भी पूछा है डी ए एन जी ई आर डेंजर के बारे में इसने पूछा है, तो आपको पता है डी कितने पे आता है 4 पे आता है बेटा, ए कितने पे आता है 1 पे आता है, एन 14 पे और जी कितने पे 7 पे, ई कितने पे 5 पे, आर कितने पे आता है 18। इसमें प्लस का कितना कितना करना है, प्लस का 6 ऐड करना है, 4 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 में 6 जोड़ा कितना आएगा आपका 10 और ए, ए में कितना जोड़ना है 6, 1 में 6 जोड़ा कितना आएगा 7, 14 में कितना जोड़ना है 6 कितना आएगा 20, 20 पे टी और जी कितने पे आता है 7, 7 में कितना ऐड करना है प्लस का 6 कितना आएगा 13। अगर ई की बात करूं ये कितने पे आता है 5, 5 में 6 जोड़ा कितना आएगा 11 और आर कितने पे 18, 18 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 24, यानी जो निकल के आएगा 10, 7, 20, 13, 11, 24, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां तक सबका आंसर कितना आया ए, ए विकास शर्मा का कितना आ रहा है ए आ रहा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, विकास शर्मा एकदम सही है भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, तीसवा क्वेश्चन देखिए, तीसवे क्वेश्चन का आंसर दें आप सभी पहले फटाफट। बेड को लिखा है इसने 547, बी ए डी, बेड को लिखा है इसने 547, एकदम इजी क्वेश्चन है 5, 4, 7। फिर पूछा इसने डार्क, डी ए आर की, डार्क का मान पूछा है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं पहले आप ही से पूछ लेता हूं, आप बताइए फटाफट आंसर दीजिए, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं सबके कितना आ रहा है, बी के शर्मा ए, ए गलत है भाई, सभी आंसर दीजिए फटाफट। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं बी की बात करूं, बी कितने पे आता है 2 पे आता है, ए कितने पे आता है 1 पे और डी कितने पे आता है बेटा 4 पे। इसने क्या किया इसमें प्लस का 3-3 ऐड किया है, 2 में 3 जोड़ा कितना आएगा 5, 1 में 3 जोड़ा कितना है 4 और डी कितने पे आता है आपका 4 और 4 में कितना ऐड करना है 3 और 4 में 3 ऐड किया कितना आएगा आपका 7। आपको पता है डी कितने पे आता है 4 पे आता है, 4 में कितना ऐड कर 3, 4 में 3 जोड़ा कितना आएगा 7, ए 1 पे आता है 1 में 3 जोड़ा कितना आएगा 4, आर कितने पे आता है 18 पे, 18 में 3 ऐड किया कितना आएगा आपका 21 और के आता है आपका 11 और 11 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 14।
जो कि कौन से ऑप्शन में है, 7, 4, 21, 14, 7, 4, 21, 14 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, 7, 4, 21, 14। पायलट मीणा का एकदम सही आंसर है भाई, बीके शर्मा का भी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में रोज को लिखा जा रहा है 68, 21, चेयर को लिखा जाता है, ये आपका फिक्स कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। मैंने जब बताया आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपके फिक्स कोडिंग डिकोडिंग के, जब भी 3-4 मीनिंग दे दे और उसके जो भी, देखिए ध्यान दीजिए इसका पता कैसे चलेगा, अगर मैं बात करूं एस यहाँ पे आ रहा है क्या, ये रहा एस आ रहा है, एस को इसने क्या लिखा है यहाँ पे, एस को लिखा है भैया 2, और यहाँ भी एस, एस ये रहा पहला, एस को क्या लिखेंगे 2। फिक्स कोडिंग डिकोडिंग में करना क्या है, इसमें से अक्षर छांटिए और उनको इसमें मैच कर लीजिए और उसके आगे जो भी क्रमांक है वो लिख दीजिए, ठीक है। ई की बात करूं तो ई इसमें देखिए, ई ये रहा, ई का मतलब कितना भाई 1, लास्ट वाला है ई का मतलब कितना है 1। अब देखिए इसमें आया है ए, ए की बात करूं ए चेयर में आया है ए, ए का मतलब कितना भाई 4, तीसरे पे कितना आएगा 4। अगर मैं बात करूं चौथा अक्षर है आर, अब आर ढूंढिए आर कहाँ है, आर ये आ रहा लास्ट में, आर का मतलब कितना भाई 6, तो यहाँ क्या लिख दो 6, ठीक है, पहले में भी आ रहा है आर, आर का मतलब कितना है 6। अब फिर देखेंगे सी, सी ढूंढिए सी कहाँ पे आ रहा है, अब सी कितने पे, पहले पे, पहले पे कितना आएगा 7। फिर इसने पूछा है एच, एच ये रहा दूसरे पे, दूसरे में कितना है आपका 3, तो यानी आंसर कितना निकल के आएगा 21, 46, 73, 21, 46, 73 ऑप्शन नंबर सी। अभी तक किस किस का आंसर आया है, बीरू दोसा का आंसर एकदम सही है भाई, सी ऑप्शन। बाकी सभी आंसर दीजिए फटाफट, जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं वो सेशन को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है राकेश का मतलब है 34, इसका आंसर आप दोगे, मैं चेक कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में कौन कौन आंसर दे रहा है, और रितेश का मतलब इसने पूछा है, रितेश को क्या लिखेंगे, फटाफट आंसर दीजिए आप सभी। किस किस का आंसर आ गया, ए आंसर है, ए तो गलत है भाई, 32 का ए आंसर एकदम गलत है, बाकी सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए। गौरव मीणा एकदम गलत आंसर है भाई, सही आंसर दें सभी। आगे अभी किसी का आंसर नहीं आया भाई, विभिन्न अवस्थी का आंसर बी एकदम सही है, बीके शर्मा बी। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, देखिए अच्छा क्वेश्चन है आपका, अगर मैं बात करूं इस टाइप के जब भी क्वेश्चन बनेंगे आपको, तो इसने बोला है राकेश को लिखना है 34, तो देखिए 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, हो सकता है ये अक्षरों को जोड़ दे, आर, आर का मान कितना, आर कितने पे आता भाई 18 पे, ए कितने पे आता, 1 पे आता है, के कितने पे आता है 11 पे आता है, ई कितने पे आता है 5 पे आता है, एस कितने पे आता है 19 पे आता है, और जो एच है एच कितने पे आता है भैया 8 पे आता है। इसमें जितने भी टाइप बनेंगे क्वेश्चन में, एक तो तरीका है मैं इनको जोड़ के देख लूं, ये जो जोड़ने पे आ जाए ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर मैं इनको जोड़ के देखता हूँ 18 में 1 जोड़ा 19, 19 में 11 जोड़ा कितना आएगा आपका 30, 30 में 5 जोड़ा 35, 35 में 19 जोड़ेंगे 44 और 10 54, और 8 कितना आएगा आपका 62, तो यहाँ 62 तो आ नहीं रहा, कितना आ रहा है 34। तो अब देखिए इसने क्या लॉजिक लगाया, अगर मैं राकेश की बात करूं तो आर ए के ई एस एच, आपको पता तो है ही आर कितने पे आता है 18 पे आता है, ए 1 पे आता है, के 11 पे आता है, ई कितने पे आता है 5 पे, और एस कितने पे आता है 19 पे, और एच कितने पे आता है 8। इसने एकांत क्रम में लिया है और इनको जोड़ा है,
आर आर के बाद एकांतर क्रम में कितना है के के बाद क्या है एस। एकांतर क्रम वालों को पहले मैंने जोड़ा, आर कितने पाएगा 18, 18 में कितना ऐड किया 11 और 11 में कितना ऐड किया है 19, 19 में 11 ऐड किया कितना आएगा 30, 30 में 18 ऐड किया कितना आएगा 48, 48। सेम इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं आपका, तो देखिए एक छोड़ के एक जो बच गए उनको इधर जोड़िए, ए के बाद क्या आएगा आपका ई, ई के बाद क्या आएगा एच। अब देखिए ए कितने पे आया है, एक पे, एक में पांच जोड़ा कितना आएगा 6 और 6 में 8 जोड़ा कितना है 14, तो 14 इसमें से क्या कर दूंगा मैं माइनस, 14 इसमें से मैं माइनस करूंगा कितना निकल के आएगा 34। देखिए दोबारा समझिए लॉजिक क्या है, एकांतर क्रम में एक छोड़ के एक जोड़ा मैंने, 18 में 11 जोड़ा कितना आएगा आपका 29, 29 में 19 जोड़ा कितना आएगा आपका 48। इसके बाद जो बचे हुए अक्षर हैं ए ई और एच, ए ई एच की बात करूं, ए एक पे आता है, ई पांच पे आता है और एच कितने पे आता है 8 पे, एक में पांच जोड़ा 6, 6 में 8 जोड़ा कितना आएगा 14 और इनको मैंने क्या कर दिया घटा दिया, 48 में से 14 घटाया कितना आएगा 34। सेम इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं तो देखिए ध्यान दीजिए, आर में एकांतर क्रम में जुड़ेगा टी, टी में क्या जुड़ेगा एस, आर कितने पे आएगा 18, टी कितने पे आएगा 20 पे और एस कितने पे आता है 19 पे। अगर मैं यहाँ पे एडिशन की बात करूं, 18 में 20 जोड़ा कितना है 38, 38 और 9 47 और 10 57, ऐड करने पे कितना आएगा भैया 57। अब ये जो एकांतर क्रम में बच गए उनको अलग जोड़िए, आई कितने, आई, आई के बाद ई, ई के बाद क्या आएगा एच, आई कितने पे आता है आपका 9 पे, ई कितने पे आता है 5 पे और एच कितने पे आता है 8, इनको ऐड कीजिए 9 और 5 14 और 8 कितना आएगा 22। एकांतर क्रम में जो जोड़ा है इनको घटा दीजिए, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा 57 माइनस 22 करेंगे कितना निकल के आएगा आपका 7 में से 2 घटाएं कितना आएगा 5 और 5 में से 2 घटाएं कितना निकल के आएगा 3, कितना आया आंसर आपका 35। तो आंसर कितना निकल के आ रहा 35, जो कि कौन से ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर है बी। तो देखते हैं किस किस का आंसर एकदम सही आया है, गौरव बेशणा बी आंसर है भाई, पायलट मीणा सही है, सुधीराम मीणा एकदम सही है भाई, बाकी सभी लोग आंसर दें फटाफट भाई, तीन चार लोगों के अलावा किसी का आंसर नहीं आ रहा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, इसने बोला है बेड बराबर है 547, तो डार्क का मतलब पूछा है इसने, फटाफट आंसर दीजिए आप, एकदम इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए आप सभी इसका। वेद प्रकाश ए, राम राम भाई वेद प्रकाश। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं बेड, बी ए डी, बेड, बेड को लिखा है इसने 547, तो सबसे पहले आप नोटिस कीजिए बी आता है आपका 2, अब 2 में कितना ऐड किया है इसने, 2 में ऐड किया है 3, 2 में 3 जोड़ने पे कितना आता है 5, ए कितने पे आता है 1 पे, ए बी सी डी के क्रमांक आपको पता होने चाहिए और डी कितने पे आता है 4। अब इसने सब में 3-3 जोड़ा है तो मैं यहाँ पे 3-3 जोड़ दूं, क्योंकि एक में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 और डी में 3 जोड़ेंगे कितना है, डी आता है 4, 4 में 3 जोड़ा कितना आता है आपका 7। अब ध्यान दीजिए इसने पूछा है डार्क, डी ए आर के, डार्क, डी कितने पे आता है आपका 4 पे आता है, ए कितने पे आता है 1 पे, आर कितने पे 18 और किंग 11 पंजाब कितने पे आएगा 11 पे। सब में कितना कितना ऐड करना है बेटा 3, 4 में 3 ऐड किया कितना आएगा 7 और ए में 1 ऐड, ए में ए आता है 1, 1 में 3 ऐड किया कितना आएगा आपका 4, 18 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 21 और 11 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 14, तो जो कि कौन से ऑप्शन में 7, 4, 21, 14, ऑप्शन नंबर ए। बीके शर्मा ब्लॉक का एकदम सही है भाई, पायलट मीणा ए बिल्कुल राइट आंसर है, बाकी सभी लोग आंसर दीजिए और इसी के साथ अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि मून बराबर है आपका 12 तो इसने पूछा है नून बराबर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए आपका, एकदम मस्त प्रश्न है आपका, खतरनाक। मून बराबर क्या है आपका 12, तो इसने पूछा आपसे नून बराबर क्या होगा, एन डब्ल्यू एन इसका मान इसने पूछा। तो देखिए ध्यान दीजिए आंसर दीजिए फटाफट,
यदि मैं एम की बात करूं तो देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, एम आता है आपका 13, ओ आता है 15 पे, ये ओ भी कितने पे आता है 15, और एन कितने पे आता है 14। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इनमें सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाव वाले लॉजिक लगेंगे। अगर मैं इनको जोड़ता हूं, सबको जोड़िए पहले एक बार, 5 और 4 9 और 5 14 और 3 कितना आएगा 17, हासिल 1, 1 और 1 2 3 4 5, यानी कितना आया 57 आया। अब 57 में मैंने क्या किया, इसके अंकों को जोड़ा, 7 में 5 जोड़ा कितना निकल गया है 12। क्या ये यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, एकदम बिल्कुल सही लग रहा है। अगर मैं एन की बात करूं तो एन कितने पे आता है 14 पे, ओ कितने पे आता है 15, ये ओ कितने पे 15 पे, एन कितने पे 14। अगर मैं 14 में 14 जोड़ा कितना आएगा 28, और 15 में 15 ऐड करेंगे कितना आएगा 30। अगर इन दोनों को जोड़ू तो कितना आएगा 58। 58 में यदि मैं अंकों का योग करता हूँ, 5 प्लस 8 कितना निकल के आएगा आपका 13, जो कि कौन से ऑप्शन में उपलब्ध है बेटा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर है आपका सी। देखते हैं किस किस का आंसर एकदम सही आया है अभी तक। फटाफट आंसर दीजिए आप सभी। पायलट मीणा का आया है अभी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। पायलट मीणा एकदम सही है भाई सी। गणेश मीणा सी एकदम सही है भाई। बीके ब्लॉक का एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इसने बोला है एल डब्लो के लुक बराबर कितना है 2, तो पुक बराबर पूछा है इसने। एल डब्लो के लुक, लुक का मतलब है 2 और पूछा है पुक, पी डब्लो के और पुक का मतलब इसने पूछा है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में देख लेते हैं किस किस का आंसर आ रहा है। डी डी देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में आपके 2 लॉजिक लगेंगे और इसमें 2 आंसर निकल के आएंगे आपके। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं लुक की, तो देखिए ध्यान दीजिए, एल कितने पे आता है बेटा 12 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, और के कितने पे आता है आपका 11। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि इन सबको क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इनको जोड़ा मैंने, 12 और 15 27, और 15 कितना आएगा 42, 42 में 11 ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 53। 53 अगर मैं 53 जिससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अंकों का योग किया था, अगर मैं यहाँ पे 5 में से 3 को घटाता हूं तो कितना निकल के आएगा आपका 2 निकल के। ठीक है, सेम इसी प्रकार से बेटा अगर मैं पुक में लगाता हूँ तो पी कितने पे आएगा आपका, पी आता है आपका 16 पे, एम कितने पे आता है 15 पे, सॉरी ओ कितने पे आता है 15 पे, और के कितने पे आता है 11। इन सबको मैंने क्या किया है, ऐड किया है। तो देखिए ध्यान दीजिए, 15 दूनी 30, 30 में 16 जोड़ा कितना आएगा 46, और 1 47 और 10 कितना आएगा 57। अगर मैं 57 में अंतर की बात करूं तो देखिए ध्यान दीजिए, पहले वाले में से मैंने दूसरा वाला घटाया था, 5 में से 3 घटाने पे कितना आया 2, तो इसी प्रकार 5 में से मैं 7 को घटाऊं तो कितना निकल के आएगा माइनस का 2। एक तो पॉइंट है आपका ये, यानी कितना आंसर आएगा, एक तो आंसर निकल के आ गया मेरा माइनस का 2। देखिए बेटा इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है एग्जामिनर ने कौन सा लॉजिक लगाया है। अगर अब मैं दूसरे लॉजिक की बात करूं तो दूसरा लॉजिक समझिए आप। देखिए दूसरा लॉजिक क्या बन सकता है इस क्वेश्चन का, सबसे पहले ध्यान दें आप, मैंने क्या किया, शुरुआत के जो दोनों अक्षर हैं एल और ओ, इनको मैंने ऐड किया। आपको पता है एल कितने पे आता है, एल आता है आपका 12 पे, एल डब्लो के, एल कितने पे निकल के आता बेटा 12 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे। मैंने पहले शुरुआत के दोनों अक्षरों को ऐड किया
और लास्ट वाले दो अक्षर हैं ओ और के, ओप कितने पे आता है 15 पे और के कितने पे 11। इन दोनों को अलग ऐड किया, इनको अलग ऐड किया और माइनस कर दिया। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो ओ से तो कट जाएगा क्योंकि 15 15 है, घटाएंगे तो ये घट जाएगा, कटेगा। एल कितने पे आता है 12, 12 में से अगर मैं 11 घटाता हूँ तो 1 आएगा, अगर मैं यहाँ पे जोड़ू तो 27, 27 में से 26 घटाऊंगा कितना आएगा 1, और इस 1 में मैंने 1 जोड़ दिया क्योंकि 2 चाहिए इसको, इसका मान 2 दे रखा है ना, 1 में 1 ऐड किया मैंने कितना चाहिए 2 आ गया। सेम इसी प्रकार से पी, पी कितने पे आता है आपका 16, अगर आप काटना चाहो तो यहाँ काट सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर मैं 2 2 के पे से ब्रेक करूंगा तो ये आपस में घटेंगे, ये आपस में यहां से क्या होंगे ब्रेक होंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, पी कितने पे आता है 16 और के कितने पे आता है 11, 16 में से 11 घटाऊंगा कितना आएगा 5, जिस प्रकार मैंने इसमें 1 जोड़ा था तो 5 में भी 1 ऐड करूंगा कितना आएगा आपका 6, तो जो कि कौन से ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इसके दोनों ही आंसर एकदम सही है। अब डिपेंड करता है एग्जामिनर कौन सा लॉजिक मानता है, दोनों ही आंसर आपके एकदम सही है। देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, ये एकदम इजी क्वेश्चन है आपका। इसने बोला है यदि किसी कूट भाषा में अखबार को क्या पढ़ा जाता है, अखबार को लिखा जाता है चाय, चाय को क्या लिखा जाता है, चाय को लिखा जा रहा है ठंडा पेय। ठंडे पेय को लिखा जा रहा है कलम, इसको लिखा जा रहा है कलम, और कलम को लिखा जा रहा है पुस्तक, कलम को क्या बोलता है पुस्तक। अब इसने पूछा है तो इनमें से किसे पढ़ा जा सकता है। अब ये सुबह उठने की बात करा, सबसे पहले आदमी उठेगा तो सबसे पहले क्या पढ़ेगा अखबार, और अखबार को इसने क्या बोला है चाय, तो आंसर क्या निकल के आएगा आपका चाय, जो कि कौन से ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर आएगा इसका बी, एकदम राइट आंसर। देखिए किस किस का आंसर एकदम सही आया है, विष्णु 99 बी सही है भाई, प्लेयर मीणा का बिल्कुल सही है बी, वेद प्रकाश जी का बिल्कुल बी सही है। देखिए नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, इसने बोला है लेडी को लिख रहा भैया 11 03 24। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप फटाफट सभी, देखता हूं मैं सबसे पहले आंसर कौन देता है आज, पायलट मीणा बी। 37वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी फटाफट, बीके शर्मा बी, बी एकदम राइट आंसर है भाई, बीके, बीके का एकदम राइट आंसर है। देखिए ध्यान दीजिए आप सभी, फटाफट आंसर दें आप सभी। वेद प्रकाश 37 बी एकदम सही है वेद प्रकाश का। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर मैं लेडी की बात करता हूं, एल ए डी बाई लेडी, मैं एल कितने पे आता है सबसे पहले क्रमांक पता होना चाहिए, एल आता है 12, ए कितने पे आता है 1 पे, डी कितने पे 4 पे, वाई कितने पे 25। अब इसने किया क्या है, सब में से एक एक माइनस किया है, तो 12 में से एक कम करूंगा कितना आएगा 11, एक में से एक घटाएंगे कितना आएगा 0, और डी भी एक पे आएगा, सब में से माइनस 1 किया है मैंने, डी में से एक घटाएंगे कितना आएगा 3, और 25 में से एक घटाएंगे कितना आएगा आपका 24। सेम इसी प्रकार से सब में से एक एक घटाएंगे M A N, अच्छा M कितने पे आता है बेटा 13 पे, और A कितने पे आता है 1 पे, और N कितने पे 14, एक एक माइनस कीजिए, 13 में से एक घटाएं कितना आएगा 12, एक में से एक घटाए तो क्या आएगा सन्नाटा, 14 में से एक घटाएं कितना आएगा आपका 13, यानी 12 0 13, जो कि कौन से ऑप्शन में, 12 0 13 ऑप्शन नंबर बी। किस किस का आंसर एकदम सही है, अभिषेक का बिल्कुल सही है भाई, बी के शर्मा ब्लॉक बिल्कुल सही है भाई, बी ऑप्शन भी एकदम राइट आंसर है बी के शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें आप सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, फटाफट आंसर दीजिए आप सभी। फटाफट
फटाफट आंसर दें आप सभी, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। 38 वेद प्रकाश सी सही आंसर है। देखिए ध्यान दीजिए, 38 में बाकी सभी लोग आंसर दें फटाफट। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसने बोला है चेयर को क्या लिखा जा रहा है, सी एच ए आई आर, चेयर को लिख रहा है ये ई के ई एन एक्स, चेयर को लिखा है इसने ई के ई एन एक्स। तो सबसे पहले ध्यान दें आप, सी कितने पे आता है बेटा, तीन पे आता है, सी के बाद तीन में दो जोड़ा कितना है पांच, इसने प्लस का दो किया, एच आता है आपका आठ और के आता है ग्यारह, आठ में कितना ऐड करेंगे तीन, क्रम से बढ़ा रहा है पहले दो फिर तीन फिर कितना बढ़ाया इसने चार, एक कितने पे आता है एक, एक में चार जोड़ा कितना आएगा पांच, सेम इसी प्रकार चार के बाद क्या जुड़ेगा पांच और पांच के बाद क्या जुड़ेगा छह, क्रम से जोड़ रहा है। सेम इसी प्रकार अगर मैं टेबल की बात करता हूं तो देखिए ध्यान दीजिए, टेबल आपको पता है टी कितने पे आता है बेटा, टी आता है बीस पे और बीस में कितना ऐड किया इसने शुरू में दो, तो बीस में दो ऐड करेंगे, बीस और दो कितना आता है बेटा बाईस और बाईस पे आता है बी, दो के बाद कितना ऐड करना है तीन, एक कितने पे आता है एक, एक में तीन जोड़ा कितना आएगा चार और चार पे क्या आता है बेटा डी, बी कितने पे आता है दो और दो में कितना ऐड करना है चार, चार और दो कितना होता है छह और छह पे क्या आता है आपका एफ, एल कितने पे आता है आपका बारह, बारह में कितना जोड़ना है पांच, कितना आएगा सत्रह, सत्रह पे क्या आएगा आपका क्यूब और ई कितने पे आता है आपका पांच और पांच में छह जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा ग्यारह, ग्यारह पे क्या आता है आपका किंग इलेवन आता है पंजाब, तो यानी कितना निकल के आएगा बी डे बी डी एफ क्यू के, कौन से ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगले देखिए यहां तक किस किस का आंसर आ गया, 39 38 में बी के शर्मा का एकदम बिल्कुल सही है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 का आंसर दीजिए आप सभी। यदि अर्थ को लिख रहा है ये ई ए आर टी एच, अर्थ को लिखा है इसने जी जेड टी एस जे, अब इसने पूछा है ई सी एल ए टी को क्या लिखा जाएगा भाई, फटाफट आंसर दीजिए आप सभी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आया, वेद प्रकाश का बी आ रहा है भाई, बाकी सभी लोग आंसर दीजिए, क्या वेद प्रकाश ने ही ठेका ले रखा है क्या आंसर देने का, बाकी सभी लोग आंसर दें फटाफट, बाकी सभी लोग किस किस ऑप्शन के साथ हैं बताएं फटाफट। बीके शर्मा 39 में बी बिल्कुल सही है, पायलट मीणा बी एकदम सही है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं ई की बात करूं, सबसे पहले बेटा क्रमांक पता होना चाहिए, इवनिंग शाम कितने बजे होती है पांच बजे, ए कितने पे था एक पे, आर रानी 18 की एज में रानी लगती है, टी 2020 मैच होता है एच आठ पे, एच की आकृति कैसे आठ पे, जी की आकृति जी सेवन, जेड 26 पे आता है 2020, एस टी यानी 19-20 की छूट और जे कितने पे आता है आपका 10 पे। अब देखिए पांच के बाद सात आया कितना बड़ा दो, अब इसमें से अगर मैं माइनस करूं ए आता है एक पे, एक में से एक घटाएंगे यानी मैं इसको पढ़ूंगा 26 प्लस एक 27 और 27 में से एक माइनस करूंगा कितना आएगा 26, 18 में फिर प्लस का कितना किया इसने दो किया है, फिर किया है माइनस का एक, सीरीज चलाई है इसने प्लस दो माइनस एक प्लस दो माइनस एक प्लस दो माइनस एक, तो सेम इसी प्रकार ई कितने पे आता है पांच, पांच में प्लस दो करेंगे कितना आएगा सात, सात पे क्या आएगा जी, फिर क्या इसने माइनस एक, सी में से एक घटाएंगे ठीक कितने पे आता है तीन, तीन में से एक घटाएंगे कितना आएगा दो, दो पे क्या आता है आपका बी, एल कितने पे आता है बारह, बारह में दो ऐड करेंगे कितना आएगा चौदह और चौदह पे क्या आता है आपका एन और ए में से एक घटाएंगे कितना आएगा आपका जेड और टी में कितना ऐड करना है दो, टी आता है बीस, बीस में दो जोड़ा कितना आएगा बाईस और बाईस पे क्या आता है आपका बी, जो कि कौन से ऑप्शन में है आपका, अब मैच कर लीजिए जी बी एन जेड बी ऑप्शन नंबर बी, विष्णु बी, विष्णु पहले गलत आंसर दिया आपने ए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
देखिए बेटा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अब आप ध्यान दीजिए, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन देता है। वेद प्रकाश 40 में सी, सबसे पहले वेद प्रकाश का आंसर आया भाई, बाकी सभी आंसर दें। पायलट बी, वेद प्रकाश सी, पायलट बी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसने बोला ब्लेम, बी एल ए एम ई, इसको लिखा इसने ए के जेड एल डी। इसने पूछा है फिर आपसे स्पेस का मतलब क्या हुआ, एस पी ए सी। तो सबसे पहले ध्यान देंगे बेटा बी, बी से ए आया है, कितना माइनस किया है एक, एल 12 में से एक माइनस किया कितना आएगा के, ए में से एक माइनस करेंगे एक पे आता है, लेकिन इसको जब भी घटाने की बारी आएगी 26 में ऐड करके ही बोलेंगे, 26 में एक जोड़ा 27, 27 में से एक घटाए कितना है 26, जेड आएगा। एम 13 में से एक घटाए तो एल, और इसमें से एक, यानी सब में से क्या कर रहा है माइनस वन माइनस वन माइनस वन का लॉजिक लगा। तो कितने पे आता 19, 19 में से एक कम कीजिए 18, 18 पे क्या आता है आपका आर, पी आता है 16, 16 में से एक कम करेंगे कितना आएगा 15, क्या आएगा ओ, ए में से एक कम करेंगे कितना आएगा जेड, और सी में से एक कम करेंगे कितना आएगा आपका बी, और ई आता है 5, और 5 में से एक कम करेंगे कितना आएगा 4, 4 पे क्या आता है आपका डी, जो कि कौन से ऑप्शन में आर ओ जेड बी डी, ढूंढिए कौन से ऑप्शन में आर ओ जेड बी डी, ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी। देखते हैं किसने सबसे पहले आंसर दिया अब इसका, वायलेट मीणा सी, एकदम सही है भाई सी। देखिए आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया है, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मिलते हैं आपसे नई सीरीज के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।